सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सो so, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बॉडी की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है नेचर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आए दिन इसको लेकर आप कुछ ना कुछ न्यूज सुनते रहते हो एक ऐसा कमीशन जो सेंटर और स्टेट के बीच पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है डिवीज़न ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कितना शेयर स्टेट को मिलेगा पैसों का जो कलेक्शन हुआ है जो रिसीट आई है गवर्नमेंट के पास उसका एक्सपेंडिचर का सारा प्रोस्पेक्ट देखना ये सारे काम हैं हमारे फाइनेंस कमीशन के तो क्योंकि अथॉरिटीज बहुत ज्यादा है ऑब्वियस है कि बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की होगी तो फाइनेंस कमीशन हमारे पास आता है अंडर आर्टिकल

समन कर सकते हैं और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स राष्ट्रपति के पास जाकर उनको भी किसी भी चीज पर जो व्याख्या करनी है वो करेंगे मोर ओवर किस तरीके से सरकार का कंसोलिडेटेड फंड बढ़े इस पर भी पैसा कित कैसे आएगा क्या और तरीके हो सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के ऑल ऑफ दीज कैन बी डन बाय द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड अलॉन्ग विद इट्स मेंबर तो फाइनेंस कमीशन एक पांच मेंबर की बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन होते हैं चेयरमैन के साथ चार मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है बहुत ज्यादा पार है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन नेचर के हैं अगर हम बात करें आजादी के बाद तो 1952 से 1957 तक के लिए पांच साल के लिए फाइनेंस कमीशन नियुक्त किया जाता है तो पहले जो फाइनेंस कमिश्नर इंडिया के बने या फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बने दैट दियोगीत क्षितिज चंद नियोगी वॉज दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन राइट right नाउ अगर हम बात कर रहे हैं अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है दैट द फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया और फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं नंद किशोर सिंह एज इट्स चेयरमैन 2026 में हमारे पास अगला फाइनेंस कमीशन आएगा जिसकी नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है जिसकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट का, का काम किसका भारत के राष्ट्रपति का तो अब जो फाइनेंस कमीशन हमारे पास नियुक्त तो हुआ है दैट इज दी सिक्सटींथ फाइनेंस कमीशन और इसको चेयर करेंगे अरविंद पनगड़िया तो पांच पांच साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनता है और फाइनेंस कमीशन अगले पांच साल के प्रोस्पेक्ट्स को किस तरीके से सरकार ज्यादा बेटर एफिनिटी ज्यादा बेटर कोहिजन के साथ काम कर सकती है इसको इंश्योर करेगा फाइनेंस कमीशन तो इतनी खास चीज़ें आपको जाननी थी और फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका रीअ अपॉइंटमेंट भी होता है ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब कुछ करने का राइट रिजर्व रहता है विद प्रेसिडेंट सो इतनी चीज़ें आपको फाइनेंस कमीशन के साथ पता होनी चाहिए जो नए फाइनेंस कमीशन चेयरमैन हैं इंडिया के वो ट्वेंटी से ट्वेंटी के लिए फाइनेंस कमीशन का जो पोस्ट है उसको देखेंगे दैट्स ऑल इन दिस वीडियो मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में टिल देन टेक केयर बय एंड थैंक यू सो मच